नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, सिटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है और आपके लिए पेश है आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। पत्रकार वार्ता में नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल द्वारा संचालित क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन 21 सितंबर को किया जाएगा। मेला गुगाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार की रात जनमंच प्रेक्षागृह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज स्थानांतरण की मांग को लेकर लगातार 10 दिन से धरना दे रहे मेडिकल के छात्र देर शाम घंटाघर चौराहे पर पहुंचे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया। सिटी वैब न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीयों के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांधी पार्क से ट्रैक्टर ट्रोलियों तथा बसों में सवार किसान नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में अम्बाला रोड घंटाघर से कोट रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर भारतीय कार्यकर्ता डीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने कहा कि किसानों का बकाया गन्ना मूल्य दबाए बैठी जिले की उत्तम शेरमऊ और बजाज शुगर मिल सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक नहीं मान रही है। चीनी मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर में विद्युत दरों में की गई 12% की वृद्धि की तरह गन्ना मूल्य भी 12% बढ़ाया जाए। नाम विश्वास आर्य है। आज कितने हजारों की संख्या में ट्रैक्टर किसान लोग परेशान होकर के सड़कों पर आए हैं अपना हक मांगने के लिए। आज बिजली की समस्या है, किसान का पेमेंट नहीं होता, किसान को जो है अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे सकता। किसान का जो परसेंटेज ऑफ इनको दिया गया भुगतान है वो 50% से कम है, इसलिए इनका आक्रोश बजाज चीनी मिल की तरफ सबसे ज़्यादा था। जनपद का टोटल जो पेमेंट है वो 80% के ऊपर पहुँच चुका है 6 मिलों का, किंतु बजाज चीनी मिल 50% के आसपास रह पाई है, इसलिए उसका एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अतिरिक्त बिजली का जो बिल है कहीं कहीं पर इनके अनुसार ज़्यादा मात्रा में मांगा जा रहा है, कनेक्शंस काटे जा रहे हैं, तो वो आ रही है। और ऐसे ही कुछ अन्य व्यवस्था सिंचाई से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें हैं। इनके लिए हमने एक अगले हफ्ते ज्वाइंट मीटिंग जिसमें कंसर्न ऑफिसर्स और इनके 5 प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे और समस्या का एक हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। कॉलेज स्थानांतरण की मांग को लेकर हकीकत नगर मैदान में लगातार 10 दिन से धरना दे रहे मेडिकल के छात्र देर शाम घंटाघर चौराहे पर पहुंचे और अपनी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र आने जाने वाले लोगों से 10 रुपए में डॉक्टरों से जूता पॉलिश करवाने की गुहार लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि वह ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के छात्र है, विगत 6 माह से कॉलेज ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। जब मेडिकल के छात्र जूता पॉलिश करने की गुहार लगा रहे थे तो मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद पहुंचे और उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ऐसे लोगों से एनडीएस डॉक्टर से 10 रुपए पॉलिश करवाइए। आगे आगे छात्र लोकल मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर से करोड़ों की डिग्री पाने के बाद जो की मिल नहीं पा रहे, जो इलाज करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं। मेरा नाम हर्षनी है। जूता पॉलिश करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने MBBS में एडमिशन लिया था और हमें डिग्री नहीं मिलेगी वहाँ से, तो हम इसलिए यहाँ जूता पॉलिश कर रहे हैं लोगों के, ताकि हम अपना रोजी रोटी कमा सकें। अब डॉक्टर को यही करना पड़ेगा, शायद तभी सरकार की आंखें खुलेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को भी ये सब करना पड़ रहा है। ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, हमें 10 दिन हो गए हैं प्रदर्शन धरना करते हुए, 5 दिन से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभी तक भी सरकार की आंखें नहीं खुली हैं और शायद सरकार हमें सुनना नहीं चाह रही, अभी इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। अम्बाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में पत्रकार वार्ता करते हुए नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल द्वारा संचालित क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन 21 सितंबर को किया जाएगा। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सहारनपुर के लोगों के लिए और पूरे आसपास के जनपद के लड़कों के लिए जो क्रिकेट को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के मैदान को तैयार किया गया है और इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के BCCI और UPCA के चीफ क्यूरेटर शिव कुमार यादव जी की देखरेख में ये पिच तैयार हुई है और
निश्चित रूप से इस ये आगे आने वाले दिनों में बहुत ही क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से बच्चों को फैसिलिटी देगी, जिससे कि वो राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचेस में अपनी कीर्तिमान बना सकें। इस बारे में 21 तारीख को सारमूड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा एक उद्घाटन समारोह इस क्रिकेट ग्राउंड का और इसी के साथ साथ एक ज्ञान कलश क्रिकेट एकेडमी का होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनीत सरण जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, जिनके करकमलों के द्वारा इस ग्राउंड का और क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन होगा। और उसमें हमारे आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला जी और यूपीसीए के सेक्रेटरी आदरणीय युद्धवीर सिंह जी भी उसके अंतर्गत मौजूद होंगे। क्रिकेट के क्षेत्र में रहने वाले और बहुत सी हस्तियां उस दिन सहारनपुर में आएंगी। मेला गुगार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार की रात जनमंच प्रेक्षागृह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सभी का मन मोह लिया। हिंदी व पंजाबी गानों पर नृत्य कर कलाकारों ने देर रात तक दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम आयोजकों द्वारा प्रोग्राम के समापन पर कलाकारों को पुरस्कार देकर अभिनंदन किया गया। आज क्या कार्यक्रम? आज रंगारंग का कार्यक्रम है। अच्छा, काम कहाँ से कलाकार हैं? कलाकार दिल्ली से बुलाए गए और चंडीगढ़ के कलाकार आए गए तो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम कैसा कि आज जनमंच बहुत बड़ा हुआ है, लगता है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सिटी वैम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।